हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो वाला है आपका कॉम्पेयर। कैसे कॉम्पेयर? बजाज का आयरन के साथ उषा का आयरन का कॉम्पेयर। आयरन सभी के घर में है, लेकिन उसका क्या फैसिलिटी, क्या फीचर्स, वो मेरे साथ बताएगा शोभिक। और दोनों मॉडल का क्या क्या कॉम्पेयर है वो भी करके दिखाएगा। शोभिक कैसे हो? अच्छे, आप कैसे चल रहे हैं? जैसे कि मेरे पास है जो दो मॉडल है, एक है उषा का, एक है बजाज का। आप बताइए इसका मॉडल नंबर क्या है? ये मॉडल नंबर आता है SI 3820 वाला, और ये आता है बजाज का MX25। जैसे कि दोनों ही आपका स्टीम आयरन, स्टीम आयरन, तो दोनों का फीचर्स क्या है? जैसे बेसिकली ये दोनों ही आपका स्टीमिंग पर्पस काम आता है। अच्छा, इसका आपका वाटेज है 1200 वाट में ये रन करता है। अच्छा, लेकिन ये इसका जो वाटेज है ये 2000 वाट। ये 2000 वाट। और इसमें ये आपका आ गया पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटेज का डिफरेंस। सेकेंड चीज है इसका जो वाटर कैपेसिटी है, ये दोनों का सेम वाटर कैपेसिटी है। सेम वाटर कितने कैपेसिटी होता है इसमें? आप 100 ml तक का वाटर दे सकते हैं। 100 ml का वाटर दे सकते हैं। दूसरा चीज है, जैसे आप कॉटन या जैसे आप पेसिंग करते हैं तो देखिएगा इसका जो कोटिंग है, उषा का जो ये कोटिंग है आपका सिरेमिक कोटिंग देके आ रहा है। अच्छा, और ये बजाज का जो कोटिंग है ये आपका टेफ्लॉन कोटिंग देके आ रहा है। और डिफरेंस यही दोनों का है। और जैसे आप इसका जो हीटिंग पावर ज़्यादा है, तो जब आप आयरन घर में कर रहे हैं तब आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हीटिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे आप बेसिकली आप देखिएगा इसका 1200 वाट में ये काम करता है, नॉर्मली एज यू कैस कर पाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक आयरन थोड़ा सा ऑपरेट दिखाइए कैसे क्या करना है। जैसे बजाज का ही दिखा दीजिए, जैसे धर लीजिए ये वाला, दोनों का ओवरऑल सेम ही है तो एक ही दम पूरा सेम ही है। जब डिफरेंस जो है ये आपका कोटिंग का डिफरेंस है और वाटेज का डिफरेंस है, बाकी सभी ऑप्शन सेम है। जैसे ये वाला, जैसे प्लग इन कर दिए, उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कपड़ा कैसा है, नायलन का है, सिल्क का है, कॉटन का है। okay. उसी तरह से आप हीट सिलेक्ट कर दिए, जैसे यहाँ पर जो दाग है उसके हिसाब से आप इसको हीट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके okay. ये वाला है मैक्सिमम, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन वो बाद में काम आएगा आपका। अच्छा, जैसे ये वाला जो है, जैसे आप आयरन जब कर रहे हैं, जब स्टीमिंग कर रहे हैं, तब आपको मैक्सिमम चाहिए, जैसे पानी छिड़कने वाला चाहिए कि एक ही बार में ब्लास्ट चाहिए okay. पानी का। इसमें अगर ये प्रेस कीजिएगा तो एक ही बार में पानी का ब्लास्ट होगा कपड़ा के ऊपर। okay, okay. और ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आपका सिर्फ प्रेसिंग होगा, पानी प्रेस करते करते आप आयरन कर पाइएगा। okay. और ये जो आपका है, यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं, यहाँ ढक्कन दे दीजिएगा, पानी यहाँ रहेगा। और जो है सबसे बात लास्ट में एकदम आता है, जब आपका आयरन खत्म हो गया तब देखिएगा जे यहाँ से कुछ दिन बाद स्टीम आयरन का पानी चुभकता है। अच्छा, क्योंकि उसके वजह से यहाँ से जो होल है वहाँ लीकेज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इधर हम लोग जो स्टीमिंग करते हैं उसके बाद पानी हम लोग निकलते नहीं है। अच्छा, जैसे ये वाला ऑप्शन दिया, पानी निकालने के लिए पानी जो अंदर है पानी वो पूरा निकल कर, ये पूरा आपका प्रेस करते करते ये पानी निकल जाएगा, तब क्या होगा आपका आयरन का लॉन्जिविटी बढ़ेगा। ये चीज़, जैसे कि इसका वारंटी कितना रहता है? जैसे सभी आयरन का मैक्सिमम 2 साल की वारंटी है। 2 साल कौन सा बीज वारंटी देता है? सो फ्रेंड्स, आप देखे आयरन को कंपेयर और आयरन का यूज कैसे करते हैं। तो ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।